डॉक्टर साहिबान, आप सभी का इस इवेंट में स्वागत है। और देखिए, जो लास्ट टू इयर्स गए हैं, जैसे कि जोनल मजिस्ट्रेट जोनल मैनेजर साहब ने बताया कि बड़े चैलेंजिंग रहे हैं सभी के लिए। ये वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस था सभी के लिए। ऐसा जब लास्ट टाइम हुआ था तो न्यूज़पेपर में पढ़ने पे सामने आया है कि 1920s के आसपास कुछ हुआ था, 100 साल के बाद में, जब एक स्पेनिश फ्लू करके बीमारी थी। तो इस बीमारी का किसी को नहीं पता था कि क्या नेचर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो फर्स्ट वेव, फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें कुछ चैलेंजेस थे, वो काफ़ी अलग थे। और जो सेकेंड जो वेव ऑफ कोरोना की जो हिट हुई, हमने जो देखा, तो उसमें जो डॉक्टर्स की भूमिका रही वो बड़ी अहम भूमिका थी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हम लोगों के लिए ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट और जो डॉक्टर्स ने जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें करी, तो बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था सभी के लिए। और हम उस चैलेंजिंग टाइम में डिलीवर कर पाए और काफ़ी लोगों की जान बचा पाई, अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि काफ़ी कंट्रीज में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, जहाँ पे सेकेंड वेव की मार ऑलरेडी झेली जा चुकी है, वहाँ पे थर्ड वेव भी आ रही है। और इसकी आशंका से हम लोग भी इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, फिर अपनी आँख मूंद नहीं सकते। तो लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम अपनी तैयारियां कर सकते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। उसको निपटने के लिए हमको दो चीज़ों के लिए बड़ी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। एक की वैक्सीनेशन हमको 100% करनी पड़ेगी सुनिश्चित। इसके लिए हमारी जो हेल्थ की टीम है वो लगातार फील्ड पे काम कर रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स हर घर दस्तक प्रोग्राम में भी डोर टू डोर जा रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स में। हमारी जो ज़िले की बात करूँ तो हमारी जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो 80% के अराउंड कवरेज है। और जो सेकंड वैक्सीनेशन की जाती है उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। IIC वैन जो हमारी अमेरिकन यूनियन फाउंडेशन के द्वारा भी चलाई जा रही है, जो कि 50 दिन तक हमारे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में लोगों को जागरूक करेगी। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद भी ये लग रहा था कि सेकेंड वेव आएगी या नहीं आएगी, वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। कि सभी लोगों को आना चाहिए और अब हमारे पास में वैक्सीनेशन की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और आके जो भी अगर किसकी फर्स्ट डोज ड्यू है तो वो करवाएं, और सेकंड डोज में अगर आपका जो लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है अगर वो ड्यू हो चुकी है तो उसको जरूर लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि हम इस जो अगर थर्ड वेव कोई आती है कोविड की तो उसको हम हैंडल कर पाए अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट जो बड़ा ज़रूरी है इसको हैंडल इसको टैकल करने के लिए, वो मैं मानता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे गैप्स रहते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो हम उस गैप को कहीं ना कहीं कम कर पाए। वो गैप को कम करने के लिए जैसे हमारे कोई ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी कोई कमी है तो सरकार उनको भी रिक्रूटमेंट कर रही है। पर जैसे आज जो PNB ने जो काम करा कि 60 बेड्स, और जैसे इन्होंने बताया निजाम मैनेजर साहब ने कि ये जो एक्टिविटी इन्होंने करी है एज अ CSR में, जनरली जो कंपनीज करती है एक्टिविटीज वो जनरली क्या होती है, वन साइडेड एक्टिविटीज रहती है कि भाई अपना काम करके भाई हमको ये दिखाते हैं, जनरली वो नीड बेस्ड नहीं रहता, वो ये नहीं पूछते कि भाई आपको किस बात की ज़रूरत है। इन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ जो करी, उन्होंने पहले बातचीत करी हमारे CMO साहब से, इनसे पूछा कि भी आप ये बताओ कि आपको जरूरत किस बात की है। और जब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स थे हमारे पास में, जैसे हमको यहाँ पे बेड्स की शॉर्टेज थी, बेड्स में हमको अगर 60 बेड्स मिल रहे हैं तो आप ये मानिए कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हम 60 लाइव्स वी वुड बी एबल टू सॉल्व सेव वी वुड बी एबल टू सेव जस्ट बिकॉज की ये CSR इनिशिएटिव में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा PNB का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का, और मैं आशा करता हूँ कि हम एज ए टीम वर्क काम करेंगे और कोई भी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आगे डेवलप होती भी है तो उसको हम सही तरीके से टैकल करते हैं। धन्यवाद।